बाबूलोग स्त्री यूनिवर्स का हो या फिर मैडॉक यूनिवर्स, इंडियन सिनेमा में तबाही करने वाला है आगे जाकर। जिसका कनेक्शन तो हॉरर से रहता ही है, लेकिन कॉमेडी फन ड्रामा भी पेल कर देकर जाता है, जो डेफिनेटली आगे जाकर एक टीम तैयार करने वाला है जस्ट लाइक एवेंजर्स। और इसके लिए एक सुपर सॉलिड विलेन इन्होंने तैयार भी कर लिया है, अक्षय कुमार, जो हो ना हो थैनोस जितना पावरफुल हो सकता है। तो अभी फ्यूचर प्रिडिक्शन करेंगे, लेकिन स्त्री 2 की एंडिंग की मदद लगेगी और पोस्ट क्रेडिट सीन की भी मदद लगेगी इसमें। फटाफट इस गुत्थी को सुलझाते हैं, लेकिन बाबा लाइक में बहुत कमी आ रही है। लाइक जरूर करो यार अगर पसंद आता है काम तो, और नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। बाकी बाबा स्त्री 2 नो डाउट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फुल मजा देकर जाती है। सर कटेगा जबरदस्त आतंक पूरी मूवी में हमें देखने को मिलता है, और सर कटा इतना पावरफुल है कि उसे हराने के लिए विकी, श्रद्धा, भेड़िया और स्त्री खुद आते हैं, तब जाके सरकटे को वो एंडिंग पे हरा पाते हैं। लेकिन एक्चुअल में सरकटा मरा है या नहीं ये डाउट है, क्योंकि किसी भी आत्मा या भूत को अगर मुक्ति दिलानी हो या फिर उसे मारना हो तो उसके अंतिम सब या फिर हड्डियों को जलाया जाता है, उन्हें विसर्जित किया जाता है पानी या गंगा जल में, जो भी हो। जो खुद मूवी में एक मोमेंट में ये सब बताया गया था, स्त्री ने सरकटे के साथ 2 और लोगों की गर्दन काट कर दफना दिया था, जो पूरी मूवी में कहीं भी नहीं मिला और इसका जिक्र कहीं नहीं हुआ और उसे ढूंढा भी कहीं नहीं गया। तो हु नोज ये आगे जाकर रिटर्न हो सकता है। दूसरा, अक्षय पाजी का कैमियो सॉलिड था, लेकिन मेकर्स ने क्या सॉलिड प्लानिंग करी है, क्योंकि आगे जाकर इस मैडॉक यूनिवर्स का सबसे ताकतवर विलेन अक्षय पाजी होने वाला है, फुल थैनोस के माफी, क्योंकि एंडिंग पोस्ट क्रेडिट सीन में ही अक्षय कुमार किसी मटकी से पावर को कंज्यूम करते नजर भी आए हैं। दूसरा, अक्षय कुमार भी सर कटे की फैमिली से बिलोंग करता है, वैसे तो ये उन्होंने ही क्लियर किया था और उन्होंने ही रिवील आउट किया था कि सर कटा उनका पूर्वज था, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि हु नोज अक्षय पाजी चंदेरी से दूर उस पागल खाने में सर कटे से छुप कर बैठा हो और वो बस उसके मरने का इंतजार कर रहा हो, और बाद में वो मटकी में सरकटी की अस्थियां हो जिनको वो एज पावर कंज्यूम कर रहा था, जो आगे जाकर उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देगा, और ये चंदेरी से कुछ अलग हिसाब का बदला लेना चाह रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं स्त्री को पसंद करता होगा। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन बाबा एक सोलो मूवी तो अक्षय बाजी पर बननी चाहिए कि ये जर्नी पागल खाने से लेकर एक बड़े विलेन तक कैसे शुरू करी गई या फिर कैसे हुआ ये सब, जहां हमें इसके बारे में पता चले कि यार ये विलेन जो होने वाला है ये इतना पावरफुल कैसे बन जाएगा, लेकिन इसका रूट कॉज क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। दूसरा, एक और पोस्ट क्रेडिट सीन में भाई भेड़िया अनवील करता है कि ऐसा दरिंदा आने वाला है जो खून चूसता है इंसानों का, यानी ड्रैकुला, जो मैडॉक यूनिवर्स में 2025 के लिए एक और EMI सेट कर दी है, वैम्पायर ऑफ विजयनगर ये टाइटल होने वाला है मूवी का, जिसके मेन लीड पर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना देखने को मिलेंगे। लेकिन बाबा हो ना हो आयुष्मान खुराना ही एज ड्रैकुला का काम करने वाले हैं, क्योंकि मैडॉक यूनिवर्स की क्लियर विजन है, जो आगे जाकर शायद एक ऐसी देसी एवेंजर टीम सेट करने वाले हैं जिनको सुपर हीरो के रूप में इस्तेमाल करा जाएगा। ये भूत, चुड़ैल, भेड़िया और ड्रैकुला का इस्तेमाल करा जाएगा टीम बनाने के लिए, जो आगे जाकर अक्षय कुमार को हराएंगे, जिसमें आयुष्मान खुराना भी इस टीम को शायद ज्वाइन करेंगे, शायद क्या ज्वाइन ही करेंगे। तो इस देसी एवेंजर टीम में कैंडिडेट्स अगर देखा जाए तो कौन कौन होंगे, विकी, श्रद्धा का भाई अभी भी मिस्टीरी किसमें, नाम में, क्योंकि नाम सिर्फ विकी को ही पता है और हमें नहीं पता है भाई साहब उसका नाम, लेकिन हाँ ये पता चल गया कि भाई श्रद्धा स्त्री की बेटी है, भूत की बेटी, चुड़ैल या डायन आगे जाके पता चलेगा। स्त्री, भेड़िया, ट्रैकुला, अपना जना, भाई जिसके अंदर कुछ ना कुछ सॉलिड पावर तो है, मुझे लग रहा है आगे जाकर फ्यूचर या पास्ट विजन को देखा करेगा और अपनी गुत्थियां सुलझाया करेगा। इसमें रुद्रा भैया का भी सॉलिड काम होने वाला है, एज निक फ्यूरी का काम कर सकता है ये बंदा, एक मार्गदर्शक के रूप में। तो बाबा अपनी देसी एवेंजर टीम फुल सेट है और विलेन भी हमारे सामने तैयार है, बस अब मैडॉक यूनिवर्स की 2 मूवी और आ जाए, भेड़िया 2 और वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, जो अगले साल 2025 में प्रॉमिस करी जा रही है। देन उसके बाद हमें ये घमासान युद्ध देखने को मिलेगा और अपनी देसी एवेंजर वॉर देखने को मिलने वाली है, जो दुनिया को बचाएंगे भूत की टीम से, और 2 एंट्री और भी हो सकती हैं अगर आपको याद हो तो, जहां पर भाई अभी इनका तो नाम नहीं आया है, लेकिन अपने बेताल बाबू मुंजिया और रूही को तो नहीं भूले हो आप, तो ये 2 भी हो सकते हैं। देखते हैं बाबा क्या होता है क्या नहीं होता है आगे जाकर, फिलहाल कौन कौन कितना एक्साइटेड है और अपना और आपका अपना फेवरेट सुपर भूत कौन होने वाला है इनमें से, या है नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसको वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपकी तरफ से और भी क्या गुत्थियाँ हैं जो रह गई सॉल्व आउट होने के लिए, क्या क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेके, क्या क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है या फिर ऐसी कहानी हो सकती है, जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।